अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, आज हमारा पहला लेसन होगा यूनिट नंबर 1, रोमन न्यूमरल्स का। रोमन काउंटिंग बिल्कुल ऐसे जैसे आप वर्ड काउंटिंग या डिजिट काउंटिंग ऐसे लिखते हैं, वैसे एक रोमन काउंटिंग है जो कि बहुत ही पुराने ज़माने से इस्तेमाल हो रही है। पुराने ज़माने में इन लोगों को पता नहीं होता था ना कि काउंटिंग कैसे लिखनी है, तो वो लाइनें लगा लगा कर नंबर्स लिखा करते थे। फिर लाइनें बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो उन्होंने अपनी आसानी के लिए कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को अपनी काउंटिंग बना लिया। जैसे 1 को वो 1 लिखा करते थे, 5 के लिए उन्होंने वी का सिंबल, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 सी, 500 डी और 1000 के लिए एम लिखना शुरू कर दिया। इस तरह से ये 7 सिंबल्स बनाकर उन्होंने अपनी पूरी काउंटिंग बना ली। रोमन यूज्ड 7 लेटर सिंबल्स टू शो द नंबर्स। अच्छा, अब इसको लिखने के लिए फिर उन्होंने कुछ रूल्स बना लिए कि ये ऐसे ऐसे करके लिखने हैं। फॉर एग्जांपल, पहला रूल उन्होंने ये कहा कि अ लेटर कैन बी रिटन जस्ट फॉर 3 टाइम एट अ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने 3 लिखना है तो वो 1, 2, 3 लिखेंगे, ये हो गया हमारा 3। लेकिन 4 लिखने के लिए अगर वो 1, 2, 3, 4 करते थे तो ये गलत है, रॉन्ग है, ऐसे वो नहीं लिख सकते। 4 को लिखने के लिए वो ऐसे लिखते थे सिंबल को, ये 4 है। यानी कि एक सिंबल जो है, इनमें से कोई भी एक सिंबल, 1 हो, 5 हो, 10 हो, कोई भी, उसे हम 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं लिख सकते। सेकेंड, इनका जो रूल था वो ये था कि द सिंबल 5, 50 और 500 आर नेवर रिपीटेड, इनको हम 2 बार नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 10 लिखना है तो हम उसे 2 बार वी नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग मेथड है। अगर हमने 10 लिखना है तो हम इसको एक्स लिखेंगे, ये राइट है। दूसरा रूल ये था कि ये जो 3 सिंबल हैं वी, एल एंड डी, ये रिपीट नहीं होंगे, ये रॉन्ग है। जो हमारा थर्ड रूल है वो ये है कि इनमें से कोई भी 2 सिंबल्स को ऐड करने के लिए, जैसे अगर हमने 10 लिखने के लिए 5 + 5 ऐड करना है, नॉर्मली जब हम लिखते हैं 5 + 5 तो ये 10 ही होता है, तो जब इन्हें कोई भी 2 नंबर हमने ऐड करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लिखना है 15, तो 15 होगा 10 + 5 से, तो इसके लिए मैं एक नंबर 10 और इसके आगे दूसरा नंबर लिखूँगी 5। जब मैं किसी बड़े नंबर के आगे छोटा नंबर लिख लूँगी, जैसे 10 बड़ा है और 5 छोटा है, तो ये प्लस हो रहे हैं, 10 + 5 15, तो 15 लिखने के लिए ग्रेटर नंबर देन द स्मॉलर नंबर। टू एड द 2 सिंबल्स राइट अ स्मॉलर वैल्यू सिंबल आफ्टर अ लार्जर नंबर, स्मॉलर वैल्यू आफ्टर अ लार्जर नंबर। सेम इसी तरह से हमारा जो चौथा रूल है वो ये है कि टू सब्ट्रैक्ट द 2 सिंबल, जब हमने सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे रूल नंबर 3 में हमने ऐड किया है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए राइट द स्मॉलर वैल्यू सिंबल बिफोर द लार्जर वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल 19 लिखना है अगर मुझे, तो मैं 19 को लिखने के लिए लार्जर नंबर, मेरे पास है 20 और उसमें से मैं, इनफैक्ट 19 को तो मैं यूँ भी लिख लूँगी, 19 यानी 10, और 10 में से मैंने एक निकाल दिया। सेम एक और एग्जांपल, 9, 9 लिखने के लिए 10 में से, ये लार्जर नंबर है, इसमें से मैंने 1 पीछे लिख दिया, इसके पहले लिख दिया, बिफोर, बिफोर द लार्जर वन, लार्जर वन से बिफोर हमने लिख दिया, तो ये बन गया 9। ऐसे ही अगर मुझे 4 लिखना है तो लार्जर नंबर हमारे पास है 5 और उसमें से मैं एक निकाल दूँ तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट, इस तरह हमारा अगला रूल है कि डोंट राइट एनी वन सिंबल फॉर मोर देन 1 टाइम ऑन लेफ्ट साइड ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू सिंबल। मिसा मसलन ये कि अब मुझे लिखना है 42,
42 की एग्जांपल ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं सबसे मिसाल लूँगी 30 की। अगर मैं 30 लिखना चाह रही हूँ तो 30 में ऐसे लिखूँगी, 33 टा। मैं इसको यूँ नहीं लिख सकती कि 50 में से मैं 20 निकाल दूँ, ये रॉन्ग है। ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये राइट है। ये क्यों गलत है कि 50 में से मैं 2 बार माइनस नहीं कर सकती, माइनस करने के लिए मुझे एक ही दफ़ा, जैसे एक दफ़ा मैंने एक नंबर यूज़ किया है ऐसे ही करूँगी। जैसे यहाँ 9 लिखने के लिए 10, और 9 लिखने के लिए मैंने एक ही दफ़ा माइनस किया है, मैं 2 दफ़ा नहीं कर सकती। तो ये हमारे 5 रूल्स हैं रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह इनको यूज़ करके रोमन नंबर्स लिखना सीखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।